कोरोना कर्फ्यू का मजाक बनाने वाले और बेवजह घर के बाहर घूमने वाले ऐसे लोगों की जो बार बार पुलिस की समझाइश के बाद भी कोरोना कर्फ्यू का मजाक बनाने वालों को शाहपुर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें अस्थायी जेल में पहुंचाया, जहां पर बस बनी हुई है अस्थायी जेल और पुलिस तो दो जीप के साथ साथ अस्थायी जेल बनी बस को भी साथ लेकर घूम रही है। पुलिस जवान भी गांव में गली गली घूमकर समझाइश भी दे रहे हैं और घर में रहे सुरक्षित रहे, बेवजह बाहर न निकले। और सब इंस्पेक्टर हेमंत चौहान ने बताया है कि शाहपुर खामनी और भावसा मोरखेड़ा और चोंडी तक हमारी कार्यवाही चलती रही। पुलिस के इस कार्यवाही का असर कोरोना कर्फ्यू का मजाक बनाने वालों पर दिख रहा है। साथ में शाहपुर थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर हेमेंद्र चौहान, सुनील खोड़े और विलास पाले, समीर भाई, संतोष टोंगे, दिनेश डामोर सहित कई पुलिसकर्मी और जवान साथ में मौजूद रहे। हाँ सर, आज बताइए कि किन किन गांवों का दौरा किया गया हो? आज जो है कोरोना कर्फ्यू के पालन हेतु खामनी, भावसा, इधर से यहाँ मोरखेड़ा, चोंडी, ये इस तरफ के गांवों का निरीक्षण किया गया और यहाँ जो है कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया गया और अनावश्यक जो रोड पे घूमते पाए गए उनके विरुद्ध अस्थायी जेल में रखने की कार्रवाई की गई है। सर, देखा गया शहर में इसका पालन हो रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे लोग पालन नहीं करते, पुलिस आती हो लोग भाग जाते हैं, उसके बाद पुलिस चले गई कि लोग और तैयार हो जाते, इसके लेके क्या है? लगातार कार्रवाई चल रही है हमारी पिछले 3-4 दिनों से और अब आगे भी जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। सुबह शाम दोनों टाइम पुलिस आती है गाँव में और निरीक्षण करती है और बिना वजह जो लोग घूमते पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसका असर देखने को भी मिला है। जो है काफ़ी संख्या में लोगों का जो बाहर निकलना था वो उसमें कमी आई है। आज कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? आज करीब 12 लोगों को जो है अस्थायी जेल में रखा गया। आपका नाम और पता बता दें। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर हेमेंद्र चौहान। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।